एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ रोज़ वाला मेकअप। अब रोज़ वाला मेकअप लुक होता है, घर वाला नहीं, घर में बैठ के कर लो। वैसे तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आज के इस मेकअप में मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ, कोई कंसीलर भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। कंसीलर अगर डार्क सर्कल हैं आपके तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर आपका चेहरा साफ़ है तो कोई ज़रूरत नहीं है कंसीलर की। तो आज का ये ट्यूटोरियल मैं कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ कि जब हम कभी बाहर जाते हैं, एक सिंपल जैसे हम कभी बाहर जाते हैं घूमने के लिए। वैसे तो लॉकडाउन है, कैसे घूम है ये लॉकडाउन भी पता नहीं कब खुलेगा, लेकिन कभी तो खुलेगा ना। तो जब लॉकडाउन खुलेगा या फिर हम लोग जब वैसे भी नॉर्मली जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो उस वक्त हम कैसा वाला मेकअप कर सकते हैं, तो आपको कैसा मेकअप करना उस टाइम पे। तो ये बिगनर्स के लिए भी आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप नए नए हो मेकअप में और अपने लुक को बिल्कुल एक डिफरेंट लुक देना चाहते हो तो आज का ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया। मुझे ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और ये काफ़ी टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखती है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है, तो प्राइमर कोई सा भी जो आपको पसंद हो, और अगर नहीं है तो सिंपल एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद प्राइमर यूज़ में मैं यूज़ कर रही हूँ, प्राइमर में मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल है, 200 में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है। तो प्राइमर आपको हमको यहाँ लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑयल थोड़ा ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पोर्स भी ओपन होते हैं, तो ये पोर्स को भी हाइड कर देता है ताकि हमारा फेस शाइनी लगे बिल्कुल। अब प्राइमर हमने लगा लिया है। प्राइमर के बाद हम यूज़ करने वाले हैं ओले क्रीम। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ओले की क्रीम। बीच में ये बंद हो गई थी, अभी दोबारा से आनी शुरू होगी। और मुझे ये फेयरनेस क्रीम है, ये डे क्रीम है, इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम। तो ये क्रीम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर आप बीबी क्रीम भी यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, बीबी क्रीम में भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी फाउंडेशन की होती है, तो ये क्रीम एक ऐसी है, ये बहुत अच्छा ग्लो देती है और ड्राई बिल्कुल नहीं करता स्किन को। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इसे लगा के फेस बहुत अच्छा लगता है। आप डेली में या रोज़मर्रा में अगर आप घर पर भी हो तो आप इसको अप्लाई करो, आपका फेस ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और इससे फेस बहुत अच्छा लगता है, आप अभी देख भी पाओगे। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसमें कोई शेड नहीं आता, शेड एक ही ये क्रीम आती है, तो इसमें कोई शेड नहीं होते हैं। और 100 रुपीज़ में आपको ये ईज़िली किसी भी स्टोर पे और मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। और ये पूरे दिन टिकी रहती है, मैंने इसे यूज़ करके देखा है, तो ये पूरे दिन टिकी रहती है, ख़राब नहीं होता एकदम से चेहरा। ये बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करता है स्किन को, कि मतलब जैसे बीबी क्रीम होती है वैसी नहीं है, हल्का सा ग्लो देगा लेकिन पूरे दिन टिका रहता है इसका ग्लो। दूसरी बात ये मुझे अच्छी लगती है, आप रोज़ इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। इसके बाद हम करेंगे अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा ठीक। आईब्रोज़ बनाते वक्त पाउडर बेस्ड आईब्रो किट लें बजाय जेल वाले से, तो आईब्रो किट या फिर कोई पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं किट यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की, पाउडर बेस्ड। जेल वाला ना यूज़ करें, डे वाले में आप पाउडर वाला यूज़ करें या फिर कोई भी सिंपल आईब्रो पेंसिल यूज़ करें। तो इसमें मैं जो ब्लैक कलर है इससे शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले हम शेप इस वाले एरिया से देंगे। बाद अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आप कंसीलर यूज़ करें, अगर नहीं है, कम है तो बहुत हल्का कंसीलर लगाएं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का कंसीलर, नंबर है ये पोर्सलिन है इसका शेड, तो मैं इसे हल्का हल्का लगा रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर फिट मी मेबेलिन का, नंबर कौन सा नंबर है ये, लाइट आइवरी। तो मैं सबसे पहले आइज़ पर इसको अप्लाई करूँ, क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत कंसीलर या कुछ भी क्रीम लगाई है तो वो अच्छे से सेट हो जाती है इससे। इसके बाद एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अगर आपके दाग धब्बे ज़्यादा है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर प्रेस करके लगा सकते हो, नहीं तो फ्लफ़ी सा ब्रश लें, इससे आपका कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं लगेगा फेस आपको। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर। मैंने बहुत ज़्यादा आज लंबा वाला विंग्ड आईलाइनर यूज़ नहीं किया है, सिंपल सा मैंने आईलाइनर लिया है हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, एक कोई सी भी आप आईशैडो किट लें, उसमें जो ब्लैक कलर का आईशैडो है उससे हम पहले जो हमारा आईलाइनर है ठीक उसके ऊपर इसको लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ये वाला आईशैडो हमेशा मतलब चलता है, हर किसी की ड्रेस के साथ मैच करता है। इसके बाद कोई भी एक डार्क ब्राउन कलर का आईशैडो लें और ब्लैक कलर का ये जो आईशैडो है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब मैं ये जो हमारा आईब्रो बोन्स है वाइट कलर का मैंने आईशैडो यूज़ किया है, इससे हमारी आईब्रो बोन्स अच्छे से हाईलाइट होगी। अब जो लोअर वाला आईलिड है उस पर मैंने यही हल्का सा ब्लैक कलर का आईशैडो लेकर उसको हल्का सा स्मोकी लुक देना है। इसके बाद आप कोई सी भी नेचुरल वाली आईलैशेस ले सकते हो, अगर आईलैशेस अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। अब कॉन्टोरिंग कर लेंगे। कॉन्टोरिंग आपको कैसे करनी है, जो हमारा माथा होता है उसको हम अच्छे से कॉन्टोर करेंगे ताकि हमारा फेस और मेकअप बिल्कुल मैच हो, बिल्कुल पता ना लगे कि आपने फेस पे मतलब ऐसा कुछ लगाया हुआ है। और इस तरीके से गाल जो हमारे ये चीक्स होते हैं उसकी कॉन्टोरिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अब मैं ये पाउडर ले रही हूँ, इसी में से एले गर्ल का कॉन्टोरिंग किट ले रही हूँ जो, तो उसको हम ये वाले जो एरिया है उसको हम बेक कर लेंगे ताकि अच्छे से हाईलाइट हो। और नोज़ की कॉन्टोरिंग तो ज़रूर करें, अगर आप नहीं ज़्यादा कॉन्टोर करना पसंद करते हो तो नोज़ की कॉन्टोरिंग ज़रूर करें। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने जो भी पाउडर अप्लाई किया था उसको हम रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं एले गर्ल का ही ब्लशर ले रही हूँ, ये मेरा फेवरेट ब्लशर है, जस्ट पिंच है आई थिंक इसका शेड, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक फ्लफ़ी से ब्रश से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अब लिपस्टिक ले रही हूँ पर्पल का लिप क्रेयॉन, बहुत ही प्यारा न्यूड ब्राउनिश रस्टी कलर है ये, नंबर 3 है इसका, फ्रॉम फॉरएवर टू फ्रेंड्स। अब बालों के लिए मैंने हाई बन बनाया है, सिंपल बन, और इसको हम क्लचर से सेट कर लेंगे। सिंपल बन जैसे बनता है बिल्कुल वैसे ही बनाएगा। अब ये मैंने एक स्मॉल सा स्टॉल टाइप का लिया है, छोटा सा, इसको हम इस तरीके से बन के चारों तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि लुक थोड़ा अच्छा सा आता है, अच्छा सा फेस थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो इसको हम सेट कर लेंगे, आप चाहो तो क्लचर लगा लो साथ में, तो उसके साथ भी ये सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये मेरा फाइनल लुक, तो आप देख सकते हो लुक बिल्कुल अच्छी और अलग सी लुक आती है। और ये डेली वेयर का मेकअप है, कोई फाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं मिक्स किया है, कोई बीबी क्रीम भी मैंने यूज़ नहीं करके देखी है। आई होप आपको ये लुक काफ़ी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।